कलश यात्रा एवं वेदों की स्थापना के साथ हुआ महायज्ञ का आगाज। यज्ञ हमारी प्राचीन दैविक संस्कृति का अभिन्न अंग है। हमारा देश आर्यव्रत ऋषियों का देश है। यहाँ हमेशा ही जन जागृति हेतु धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। उत्सव नगरी में पंच यज्ञ प्रचारणीय सभा के तत्वाधान में गुरुवार को दोपहर को नंदगांव रोड स्थित शिव मंदिर से निकाली गई कलश यात्रा का शुभारंभ वेदों की स्थापना के साथ उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष कमल किशोर वाषणेय ने किया। कलश यात्रा में ओम ध्वजा के साथ शिव मंदिर से प्रारंभ होकर रेलवे स्टेशन, ओल्ड जीटी रोड, घंटाघर, मैन बाजार, सब्जी मंडी आदि मार्गों से होते हुए गांधी चिकित्सालय में संपन्न हुआ। कलशों के साथ साथ चारों वेदों का विभिन्न विधान से पूजा अर्चना की। कमल किशोर वाषणेय ने बताया कि यज्ञ संसार का सर्वोच्च कर्म है। यज्ञ में मंत्रोच्चारण के साथ आहुति देने से पर्यावरण प्रदूषण दूर होता है, साथ ही आत्म शुद्धि भी होती है। उन्होंने कहा कि परमात्मा की भक्ति और सद्गुरु की प्रेरणा औषधि के समान है। वेद मंत्रों के उच्चारण से मनुष्य की आत्मिक और भौतिक उन्नति होती है। आज से जो पंचक विचारणी सभा द्वारा जो कार्यक्रम शुरू किया गया, आज कलश यात्रा के लिए क्या कहेंगे उसको लेकर? आज पिछले कई वर्षों से आचार्य विवेक शास्त्री जी के द्वारा पूरे शहर में हर हफ्ते यज्ञ कराते हैं और ये 51 कुंडीय यज्ञ कल से प्रारंभ होगा और 31 तारीख को पूर्ण आहुति के साथ इसका समापन होगा। विवेक आचार्य जी के परम सहयोग से, आशीर्वाद से कई सैकड़ों की तादाद में भक्तगणों को इसमें सहभागिता रहती है और इस हवन यज्ञ में आहुति देने का सबको मौका मिलता है, जिससे शहर का वातावरण तो शुद्ध होता ही होता है और भी इसमें यज्ञ से, मंत्रों से बड़ी शक्तियाँ हैं और उन शक्तियों के आधार पर अब हम प्राचीन काल में जाएंगे। उसमें भी आपको ऐसा दिख जाएगा कि वेद मंत्रों से भी क्या कहते हैं अग्नि प्रकट कर दी, तो ये बड़ा सौभाग्यशाली है। हम सब लोग कोसी कला में और भगवान श्री राम के मंदिर जो अयोध्या में बनने जा रहा है उसके निर्माण में भी ये यज्ञ प्रारंभ होगा कल से। क्या कहते हैं